हो, ऊपर से वानर सेना मेरा पीछा नहीं छोड़ती। चलो उठो। अरे चलो, पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है। पुलिस हमारे पीछे क्यों? देखो बहुत लंबी कहानी है, मैं बाद में सुनाती हूँ, फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है। चलो एक मिनट। हाँ? हम भाग क्यों रहे? हाँ? और पुलिस हमारे पीछे क्यों है? अरे बहुत लंबी कहानी है, और ये लंबी कहानी सुनाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में सुनाती हूँ। एनीवेज थैंक यू। आज के लिए काफी ज्यादा थैंक्स नहीं हो गया? सॉरी। तुम्हें पता आज की कमाल की बात क्या है? तुम्हारे साथ पूरा अमरौली घूम लिया, पुलिस के साथ एक मजेदार सा चेस सीक्वेंस भी हो गया और एक्सीडेंट भी। मतलब मेरे पूरे दिन का एडवेंचर का कोटा कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। अर्जुन। पूछा कहाँ? अभी तो बोला तुमने। मैंने बोला, पूछा कहाँ? सॉरी न्यूरी। अर्जुन। अर्जुन नाइस टू मीट। वैसे कमाल की बात है, लड़की मैं हूँ और शर्मा तुम रहे हो। वैसे अर्जुन, तुम्हारी कोई द्रौपदी या सुभद्रा भी है क्या? कौन? अब एक मिनट। सुभद्रा, द्रौपदी? अब पापा मुझे जाना होगा, लेकिन अब हम फिर मिलेंगे। ओके? कब? फिर से तुम्हारी बाइक के सामने खड़ी मिलूंगी। ओके? अब एक मिनट, तुम्हारी बाइक को मेरी तरफ से सॉरी कह देना। ओके? अब बाय। तुम्हें रास्ता पता है ना? मैं ढूंढ लूंगी। मेरी बाइक? सादिक चाचा मेरा कीबा बना देंगे। 14,000, पूरे 14,000 का नुकसान किया इसने कस्टमर का। महेश्वर मियां, आपकी हमारी दोस्ती अपनी जगह पर, मगर इस मर्तबा इस कमजर्फ ने मेरी नहीं कस्टमर की बाइक के अंजर बंजर सब ढीले कर दिए हैं। अब उसकी भरपाई कौन करेगा? सादिक मियां, मैंने आपसे पहले भी कहा था, इसके कारण जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ये खुद करेगा। आप मेरी सैलरी में से काट लीजिएगा पैसे। सैलरी में से काटने के लिए सैलरी भी होनी चाहिए। माँ देखो ना, सब अर्जुन भाई आपको परेशान कर रहे हैं। अरे वाह, ये छुटकी को तो देख लो, इसके सामने तो इसके भैया को कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। हाँ माँ, माँ ये सब कुछ है ना, ये श्रद्धा की गलती, हर बार तुम्हें बचाती है। आप तो बुरा मान गई हैं। मेरा मकसद पैसे का ये नहीं था, बल्कि उसको ये बताना था कि पैसे की अहमियत क्या है। मैंने कभी भला असलम में और अर्जुन में कभी भेदभाव किया है? ऐसे कोई बाइक चलाता है? देखना मैं खुद बाइक को जला दूंगी, समझा? सॉरी माँ। और आप लोग? पैसों के बारे में सोच रहे हैं? ये नहीं सोचा कि अगर बच्चे को चोट लग जाती तो? चल तू मेरे साथ। चल। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी वो सर ने कहा था कि... आपके सर ने ना आपका सर खराब कर दिया। ये मेरा कमरा है, आपके सर का पुलिस स्टेशन नहीं। ओके? और यहाँ मैं जैसा चाहूंगी वैसा होगा। लीव। सॉरी माँ, ये देखिए ना, ये मेरा नया कमरा, कैसा लगा माँ? आज से आप यहीं रहें, ठीक मेरी आंखों के सामने। नूरी बेबी, सर ने कहा था कि ये माला मैडम जी के फोटो पे चढ़ा। ये माला, आपको पता है ये माला किन लोगों के फोटो पर चढ़ाए जाते हैं? उन लोगों के फोटो पे जो इस दुनिया में नहीं रहे। दोबारा ये माला मत ला, प्लीज लीव।
इन लोगों को लगता है कि आप मुझसे बहुत दूर चली गई। ये लोग कभी नहीं समझेंगे कि आप हमेशा मेरे साथ ही हैं। I love you, Mom. किरता पड़ता रहता है। दिखा कहाँ चोट लगी है तुझे, दिखा। कहीं नहीं लगी है माँ। आपको क्या लगता है आपका बेटा इतना कमजोर है कि वो एक छोटे से एक्सीडेंट से उसको चोट लग जाएगी? अच्छा, सोचा है कभी तुझे कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? बस बस हाँ, अभी इतना भी प्यार मत दिखाओ। मेरी सगी माँ गई तब क्या करोगे? नलायक कहीं का। पता है जब मिला था तो 1.5 फुट का और 1.5 किलो का था। अपनी गोद में पकड़ती थी ना तुझे, मेरे पन्नों में पता नहीं कहाँ गायब हो जाता था। इतने लाड प्यार से पाला है तुझे, तभी आंखों में आंखें डालकर यहाँ इतना खड़ा है मेरे सामने। अर्जुन, कोई आएगा ना अगर तुझे लेने, देखना पूरी दुनिया से लड़ाई कर। माँ, मैंने खुद कहीं नहीं जाना है। मैं हमेशा की तरह आपकी गोद में आ जाऊंगा और आपके पल्लू में छुप जाऊंगा। क्यों पूछो? क्योंकि मेरी सिर्फ एक ही माँ है, समझे? ज्यादा मत रोना मुझे। अरे चल जा, जा जा के तैयार हो जा। कैसा कंफ्यूजन? मुझे पता है कि सादिक चाचा अपनी बाइक कहाँ खड़ी करते हैं। वो सुबह स्कूल जाते हुए दिखती है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि टायर पंचर करो या सीधा हेडलाइट फोड़ दो। शांत गदादारी भीम, शांत। अपने क्रोध पे नियंत्रण कर। ओके भैताश्री। अच्छा एक बात बताओ भैया। पूछो। अब प्लेन चलाते हुए नीचे गिर जाओ मैं मान सकती हूँ, पर अब बाइक से कैसे गिर गए? हाँ तो क्या है कि आजकल छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होने लगी, समझी? और तुम कोई शैतानी नहीं करोगी, ओके? क्या शैतानी करने की प्लानिंग हो रही है तुम दोनों भाई बहन के बीच? चुटकी शैतानी? मैं तो चाहूँ तो भी शैतानी नहीं कर सकती। भैया की प्लानिंग चल रही थी। देखो शैतान कहेगी। और ये क्या गंदी टी शर्ट पहनी है? चल कपड़े क्यों नहीं बदलता है तू? नहीं मैं चेंज करने ही जा रहा था। रात को तो लेप लगाती हूँ मैं, शान फिर भी हल्का क्यों नहीं हो रहा है? कभी नहीं जाएगा। मैं नहीं नहीं जाएगा ना, क्यों नहीं जाएगा? पता अर्जुन, जब तू छोटा था ना तो बहुत गहरा था ये निशान। अरे अब तो फिर भी हल्का हो गया है। 14,000 कोई छोटी रकम नहीं होती है। सुबह शाम मंदिर के भोजनालय की भट्टी में तप तप कर अपना पसीना बहा करके लोगों को खाना खिला के एक एक पैसा जोड़ता हूँ मैं। बाहर आंगन में कोई पेड़ नहीं लगाए जहां से पैसे तोड़ कर लाता हूँ मैं। घर में अगर हाथ नहीं बटा सकते हो तो कम से कम मेरा बोझ तो मत बढ़ाओ। और तुम अपने हाथ को थोड़ा काबू में रखो। अब मैंने क्या किया है? अरे तुम भूल जाती हो कि तुम्हारा पति राजा भोज नहीं है। बेटे ने गलती की, पैसे निकाल दिए। बेटे को सामान चाहिए, पैसे निकाल दिए। आज से तुम मेरा हाथ बटाओगे। पापा मैं मंदिर नहीं आ सकता, वहाँ पे हर जगह दिए धूप आग जलती रहती है, मुझे बहुत डर लगता है। कोई बहाना नहीं चलेगा। मेरे स्कूटर की चाबी ढूंढो, निकालो और चलो। पापा मुझे मंदिर में सच में काम करने से बहुत डर लगता है, वहां पे बहुत आग होती है। आगे देखो। पापा प्लीज, पापा यहाँ बैठ के मुझसे अकाउंट्स नहीं होगा। वैसे भी हिसाब किताब में मेरा दिमाग काम नहीं करता है। तुम्हारा दिमाग तो सिर्फ मोटरसाइकिल उड़ाने में काम करता है, इसीलिए सादिक के गैरेज पर तुम्हें काम करना अच्छा लगता है। पर अब ये टाइम पास बंद करो और कुछ मेहनत करना सीख लो। बच्चे नहीं रहे हो तुम अब। 24 घंटे मटर गश्ती करना
और या लोगों के सामान का नुकसान करना, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। पापा मैं मटर गश्ती कहाँ करता हूँ, शादी चाचा के गैराज में मैं इतना मन लगा के काम करता हूँ पापा, ये मुझसे सच में नहीं हो पाएगा, मैं गैराज में ही ठीक हूँ। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी का नुकसान नहीं करूँगा, और अगर मैंने कोई भी गड़बड़ करी तो आप जो कहोगे मैं वो करूँगा। प्लीज आज तक अपने बाप की सुनिए जो आज सुनोगे। जाओ, तुम वही काम कर सकते हो। ओके बाबा, बाय। अर्जुन नाम इसका रख। समय आ गया है अर्जुन, तुम्हारा समय अब आरंभ हो चुका है। पापा क्या कर रहे हैं आप? मेरे पैर क्यों छुए? Yeah.
मेरा प्रणाम स्वीकार करना गुरु वासुकी। आप जैसे योद्धा से मिलना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं यहाँ महाबली अस्तिका के आदेश पर आया हूँ। मेरा कर्तव्य तभी पूरा होगा जब मैं आपके यहाँ होने की सूचना महाबली अस्तिका को दूंगा। मैंने आपको उस लड़के के पैर छूते हुए देखा है। नागलोक का मार्गदर्शन करने वाले गुरु वासुकी पृथ्वीलोक पे ऐसे साधारण लड़के के पैर नहीं छू सकते। मैं जान चुका हूं गुरु वासुकी, वो लड़का ही महाबली अस्तिका का मानव पुत्र है। अब महाबली अस्तिका को उनका मानव पुत्र भी मिलेगा और नागमणि भी। अब ये लड़का ही नागलोक का शस्त्र बनेगा। 20 साल से चल रही महाराज तक्षक की प्रतीक्षा अब समाप्त होगी। इसी प्रतीक्षा के कारण तीनों लोगों का संतुलन बना हुआ है। नागमणि यदि तक्षक के हाथ लग गई तो संतुलन हमेशा के लिए संकट में पड़ जाएगा। क्षमा चाहूंगा गुरु वासुकी, मुझे अपना कर्तव्य पूरा करना ही होगा। विडंबना यह है सैनिक कि हम दोनों अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तुम महाबली अस्तिका के प्रति और मैं सत्य और न्याय के प्रति। किंतु एक महान कर्तव्य के लिए दूसरे कर्तव्य को अपनी आहुति देनी ही पड़ेगी। जो अपने कर्तव्य की पालना के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर देते हैं। यह मेरा दुर्भाग्य है कि तुम जैसे वीर की आहुति मेरे हाथों चढ़ रही है। मेरे मृत्यु की सूचना मिलते ही महाबली अस्तिका को पता चल जाएगा कि आप यहां अमरौली में हैं और अब उन्हें यहां आने से कोई नहीं रोक सकता। आप भी नहीं, मर के भी मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। मैं जान चुका हूं गुरु वासुकी, वो लड़का ही महाबली अस्तिका का मानव पुत्र है। उनका मानव पुत्र भी मिलेगा और नागमणि भी। अब उन्हें यहां आने से कोई नहीं रोक सकता। हर हर महादेव। मिला ये शव महाबली अस्तिका अमरौली से।